वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कंसीलर कैसे लगाएं, हाउ टू अप्लाई कंसीलर स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। मैं अपनी 2019 की टॉप 10 वीडियोस रिक्रिएट कर रही हूँ। सो आने वाले कुछ दिनों में आपको मेरे चैनल के ऊपर मेरी लास्ट ईयर की टॉप 10 वीडियोस के रिक्रिएशंस देखने को मिलेंगे, लेकिन अपग्रेडेड वर्जन में, क्योंकि इन वीडियोस के नीचे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिनके इंडिविजुअल रिप्लाईज मैं नहीं कर पाई हूँ। सो इस रिक्रिएशन में मैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके साथ शेयर करूंगी और ये होगा एक अपग्रेडेड वर्जन मेरी टॉप मोस्ट व्यूज्ड वीडियोस का। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कंसीलर कैसे लगाएं अपग्रेडेड वर्जन। लेट्स गेट स्टार्टेड। कंसीलर अप्लाई करने से पहले मैं अपने फेस के ऊपर मेकअप के जो प्री स्टेप्स हैं वो ऑलरेडी कर चुकी हूँ। फेस वॉश के बाद मॉइस्चराइजिंग क्रीम और प्राइमर अप्लाई करना, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में कंसीलर अप्लाई करती हूँ अपने फेस के ऊपर की ये जो पिगमेंटेशन है उसको छुपाने के लिए। तो अगर आपके मुंह के पास कालापन है, इस तरह के दाग धब्बे हैं या आंखों के नीचे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं, तो कंसीलर आप फिंगर टिप्स के साथ कैसे लगा सकते हैं मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले आपको एक सही कंसीलर लेना बहुत जरूरी है। आपका जो फाउंडेशन शेड है, जो आपकी स्किन का कलर है, उससे एक या दो शेड डार्क रंग का कंसीलर लें अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं या पिगमेंटेशन है। आज मैं यूज कर रही हूँ एली गर्ल का प्रो कंसीलर। ये एक HD कंसीलर है और ये बहुत अच्छा बढ़िया कंसीलर है ड्राई स्किन के लिए। इसमें मेरा शेड है टॉफी और ये अप्लाई करना भी बहुत आसान है। ये कंसीलर इस तरह के ब्रश के साथ आता है, इसको आप नीचे से प्रेस करते हैं तो प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। उसके बाद आप इसको डिजायर एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं। मेरी लास्ट वीडियो के नीचे काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि कोई सबसे अच्छा बढ़िया कंसीलर बताएं, बेस्ट कंसीलर कौन सा है। सो बेस्ट कंसीलर आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही चूज़ करें। मैं आपके साथ कुछ रिकमेंडेशंस शेयर कर रही हूँ, जैसे कि अगर आपकी स्किन ड्राई है देन एली गर्ल का प्रो HD कंसीलर, स्विस ब्यूटी का कंसीलर एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है देन मेबेलिन का फिट मी कंसीलर आप चेक कर सकती हैं, और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है देन वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर एंड मेबेलिन का एज रिवाइंड कंसीलर एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर आपको आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो आप इस तरह से एक वी बनाते हुए अपने आईलिड के नीचे कंसीलर अप्लाई कर लें, बहुत ज़्यादा आंखों के पास अप्लाई ना करें। यहाँ पे मैंने आप देख सकते हो कि एली गर्ल का प्रो कंसीलर अप्लाई किया है, और अप्लाई करने के बाद इसको ब्लेंड करने के लिए या तो आप अपने फिंगर टिप यूज कर सकते हैं, जस्ट इस तरह से टैप टैप करके आप कंसीलर को ब्लेंड कर लीजिए, और आप इसको बहुत ज़्यादा आपको स्वाइप नहीं करना है, जस्ट जहाँ जहाँ पे प्रोडक्ट है उसको हल्का हल्का पैट कर दीजिए और आपका प्रोडक्ट जो है वो वहीं पे सेट हो जाएगा। जस्ट ये है कि कोई हार्श लाइंस नहीं दिखनी चाहिए और बहुत ज़्यादा वाइपिंग नहीं करनी। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर आप उसको इस तरह से रब ना करें, हल्का सा बस उसको इस तरह से पैट कर दें ताकि प्रोडक्ट जो है वो वहीं पे सेट हो जाए। नाउ जो लाइट रंग के कंसीलर्स होते हैं आप वो भी देख लीजिए उनको कैसे अप्लाई करना है। जो लाइट रंग के कंसीलर हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे लॉरियल का ट्रू मैच कंसीलर है, इन कंसीलर्स को आप अपने फेस के कुछ हिस्सों को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने नोज़ को और ज़्यादा शार्प दिखाना चाहते हो तो इस तरह से ब्रिज ऑफ द नोज़ पर लाइट कंसीलर अप्लाई कर लें। अगर आप सेंटर ऑफ द फोरहेड पर लाइट चाहते हैं तो इस तरह से फोरहेड पर अप्लाई कर लें, और अगर आप चिन एरिया को थोड़ा सा और यू नो ब्राइट दिखाना चाहते हैं तो हल्का सा कंसीलर यहाँ पे अप्लाई कर लें। उसके बाद अगेन सेम स्टेप्स, प्रोडक्ट को उसी एरिया पे आपको सेट करना है। साथ ही अगर आप एक हाई कवरेज कंसीलर यूज़ कर रही हैं फाइन लाइंस और रिंकल्स को छुपाने के लिए, तो उनको अप्लाई करते साथ ही पहले ब्लेंड करें। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे मैंने लाइट कंसीलर अप्लाई किया वो एरियाज थोड़े और ज़्यादा हाईलाइट हो गए हैं। नाउ इस तरह से पहले बेसिक स्टेप कर लेने से आप देख सकते हैं मेरे जो फेस के ऊपर पिगमेंटेशन थी वो अच्छी तरह से छुप गई है। नाउ अगर आप इसके ऊपर एक स्लाइट लेयर एक मीडियम कवरेज फाउंडेशन का भी अप्लाई करेंगे तो आपका फेस जो है वो एकदम फ्लॉलेस दिखाई देगा। आज मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन। मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी।
बिगनर्स का ये भी क्वेश्चन रहता है कि पहले फाउंडेशन अप्लाई करना है या पहले कंसीलर अप्लाई करना है। अगर आपके चेहरे के ऊपर डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन या पैचेस हैं और आप एक हैवी पार्टी मेकअप करने वाली हैं, तो कंसीलिंग पहले कर लेने से एक अच्छा बढ़िया फ्लॉलेस लुक आता है। और अगर आपका चेहरा क्लियर है या हल्के फुल्के स्पॉट्स हैं, तो आप पहले एक हाई कवरेज फाउंडेशन या मीडियम कवरेज फाउंडेशन भी लगा सकती हैं और उसके बाद स्पॉट कंसीलिंग कर लेने से आप अपने फेस को एक फ्लॉलेस लुक दे सकती हैं। कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को अपने फेस के ऊपर ओवरलोड ना करें, पर कंसीलर है या फाउंडेशन दोनों को बैलेंस करके ही अप्लाई करें। तो ये थे कुछ सिंपल स्टेप्स बिगनर के लिए, जिसके साथ आप आसानी से कंसीलर लगा सकती हैं। आई होप कि कंसीलर लगाने का सही तरीका आपको अच्छा लगा होगा। इसको ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।